आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही जबरदस्त नाश्ता, जो ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है और टेस्ट ऐसा जिसे खाकर आप मजा आ जाएगा। इसे आप टिक्की भी कह सकते हैं, स्नैक्स भी कह सकते हैं या फिर नाश्ता भी कह सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा मिश्रा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में जो बेल आइकन है उस पर जरूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले परफेक्ट रेशो का होना इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है परफेक्ट रेशो लेने के लिए कोई एक कप या कटोरी ले लें जिससे आप सारे मेजरमेंट कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक कप के अकॉर्डिंग सारे मेजरमेंट कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक मेजरिंग कप से एक कप सूजी ली हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे कढ़ाई में दो कप, उसी कप से मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ क्योंकि एक कप सूजी है तो दो कप पानी इसमें जाएगा। और अब हम इसको गैस पे रख के और गर्म करेंगे। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। यदि आपके पास रेड चिली फ्लेक्स अवेलेबल ना हो तो आप रेड चिली पाउडर या फिर हरी मिर्च को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके यहाँ पे डाल दें। अब हम इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जैसा आप खाना पसंद करते हो। और लास्ट में अब हमको इसमें डालना है गार्लिक। आप चटनी भी उसकी डाल सकते हैं या फिर आप लहसुन को छील करके और कद्दूकस करके डाल दें या फिर ग्राइंडर करके और डाल दें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस नाश्ते में। अब हम इसको गर्म कर लेंगे। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे दो आलू बॉयल करके और रख ली थी, तो आलू हमारा ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर हाथ से इसको मसल लें। तो देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, मैं इसको हाथों से मसल करके और बारीक कर ले रही हूँ। और इधर जो है पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें बॉयल भी आने लगा है पानी में। तो अब हम जो आपको कप में सूजी दिखाए थे उस कप की सूजी को हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और लगातार चलाते हुए। एक साथ हमको सूजी को नहीं डालना है, हमको थोड़ा थोड़ा डालते हुए और लगातार चलाते हुए इसको पकाना है। और इसको ठीक होने तक हमको पकाना है, जिस तरीके से हम हलवा बनाते हैं उसी स्ट्रक्चर का हमको इसको बना करके और तैयार करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, रिफाइन ऑयल या फिर आप चाहें तो घी भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से अभी हम इसको गैस के ऊपर ही मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम हम स्लो ही रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है पक के तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और कढ़ाई को हम नीचे उतार लेंगे और एक बड़े बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम ठंडा होने देंगे इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो चुका है। अब हम थोड़ा सा अपने हाथों में तेल लगा लेंगे ताकि ये हाथों में चिपके नहीं, क्योंकि बिना तेल का ये हाथों में चिपकेगा। तो हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और अब हम इसको अच्छे से मसल मसल के और जैसे हम आटे का डोट तैयार करते हैं उस तरीके से इसको हम तैयार कर लेंगे। आप देखिए वीडियो में जिस तरीके से एक से दो बार आप हाथ में ऑयल लगा लें और इसको अच्छे से मसल करके और आटे के डो जैसा इसको तैयार करना है। लेकिन ये प्रोसेस हमको थोड़ा सा, जब सूजी हमारा गर्म रहेगा जब भी, इस प्रोसेस को हमको करना है, बिल्कुल ठंडा करके सूजी को हमको नहीं करना है। ये इजीली अच्छे से गूंद के और तैयार हो जाता है आटे जैसा। तो इस तरीके से आप मसल करके इसको तैयार कर लें। अब जो हम आलू छील करके और हाथ से मसल करके रखे थे उसमें हम थोड़ा सा धनिया कट करके ले लिए हैं। और अब हम इसमें ले लेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर। और अगर आपको लगता है कि सूजी में नमक कम है तो थोड़ा सा नमक यहीं पे इस्तेमाल कर लें। अब हम यहाँ पे बेसन ले लेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं या फिर 4 चम्मच भी डाल सकते हैं ताकि अच्छे से बाइंडिंग आ जाए आलू में और सूजी में। इसके लिए हम थोड़ा सा बेसन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब इन सारे चीज़ों को हम सूजी के अंदर ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसको हम मसल करके और तैयार कर लेंगे।
और अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हाथों में आप तेल यहाँ भी लगा लीजिए, क्योंकि आलू है तो ये हाथों में चिपकेगा, तो इसलिए थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लीजिए। और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए, और मिक्स करने के बाद से जैसे हम आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरीके से हमको इसको तैयार कर लेना है। तो देखिए मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा तेल लगा करके और इसको चिकना सा डो बना लीजिए। जैसे हम आटे को एक साइड में लगा देते हैं आटा लगाने के बाद, उसी तरीके से हमको इसको बना करके और चिकना कर लेना है। और हाथों में फिर हम दोबारा तेल लगा लेंगे और इसको हम अब छोटा छोटा सा बॉल्स बनाएंगे। इसका नाश्ता बहुत अच्छा बनके तैयार होता है फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम एक प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट में हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि जो हम टिक्की बना के इसमें रखेंगे तो चिपकेगा नहीं, इजी निकल जाएगा। तो इसलिए हम प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा हाथों में भी ऑयल लगा लेंगे और इसका छोटा छोटा हम बॉल्स तैयार करेंगे। आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, लेकिन ये सूजी है तो ऑयल में जाने के बाद से फूलेगा और थोड़ा सा ये बड़ा होगा। तो आप मीडियम साइज का या फिर छोटे साइज का इस तरीके से टिक्की बना करके इसका तैयार कर लें सारी टिक्की। आप यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी बनेगा और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। तो इस तरीके से आप सारा बना करके और तैयार कर लें। मैं आपको 2 से 3 यहाँ पे बना करके और दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल चिकना चिकना सा आप इसको बनाइएगा। तो देखिए ये हमने सारे बना करके और तैयार कर लिए हैं प्लेट में। ये करीब 25 से 30 हमारा बॉल्स बनके और तैयार हुआ है प्लेट में। और ऑयल गर्म करने के लिए मैं यहाँ पे पहले ही रख दी हूँ, ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम थोड़ा सा इसको चला लेंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो मीडियम हो जाए, और गैस का फ्लेम भी हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें एक एक बॉल डाल करके और छोड़ देंगे, हमको इसको छेड़ना नहीं है, बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इसको एक साइड से हम पकने देंगे और गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, और हमको ज़्यादा नहीं इसमें डालना है। हमको ऑयल के अकॉर्डिंग 6 से 7-8 ऐसे, जितना कि उसमें आसानी से आ जाए और पलटने की जगह हो, हमको बस उतना ही बॉल्स इसमें डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पलट दे रहे हैं और आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये हल्का ब्राउनस इसमें आ चुका है। तो अब हम इसको पलट देंगे, कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। तो सारे बॉल्स को हम पलट देंगे और गैस का फ्लेम हमको स्लो ही रखना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये बन करके और तैयार हुआ है। अब हम दूसरे साइड से, बैक साइड से भी इसको पका लेते हैं ताकि अच्छे से सिक जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिक करके और तैयार हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अब हम एक झटा ले लेंगे और उसमें निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहीं पे निकल जाए। और फ्रेंड्स, आप इसको टिश्यू पेपर पर बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, या फिर और जो अपने पेपर पर भी नहीं रखना है, आपको डायरेक्टली इसको प्लेट में ही निकालना है। नहीं तो ये हो सकता है कि ऑब्जर्वमेंट पेपर पे या फिर टिश्यू पेपर पे आप रखें तो इसका क्रिस्पनेस निकल जाए, तो इसलिए आपको डायरेक्टली प्लेट में ही निकालना है। और इसी तरीके से सेकेंड बैच को भी हम तल करके और तैयार कर लेंगे। ये सेकेंड बैच भी हमारा तैयार हो गया। अब मैं इसे एक ट्रे में निकाल लेती हूँ। आप इसे मेयोनेज के साथ या फिर टमाटर केचप के साथ खा सकते हैं, उसके साथ ये परफेक्ट रहेगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, और कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलिए फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखें खूब सारा ख्याल।